आरवी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ? ऐसी भी कोई रस्म होती है क्या कि जहाँ दुल्हन को पग फिर के बाद वापस घर जाना होता है? ये देखो, दो दिन में टिपिकल हस्बैंड बन गए। आपको इतना जल्दी दुख हो गया? इतना दुख की कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। सेम फीलिंग, डिटो फीलिंग, इतना दुख की बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। देखो जरा इन दोनों को, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने साल हो गए शादी को। प्राची पुत्र, दादी आ गई जी। कैसी हैं आप? पैरी पौना। अरे खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे दादी। मुझे भी। हाँ, अरे हाँ हाँ पुत्र, तू भी बहुत बहुत खुश रहे। अरे प्राची पुत्र, इनसे मिली? अच्छा आप पुत्र। हाय, हाय, मोनिशा, आरवी की भाभी की सिस्टर। आरवी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है अभी। चले? एक्सक्यूज अस। आप लोग बैठिए। आई जस्ट कम। मैं बस बचा रही थी तुमसे। आई नो। पूर्वी, हाँ, ये जो मोनिशा है ये शादी में नहीं आई थी? हाँ वो विदेश में थी। इससे पहले मैं भूल जाऊं, एक सेकेंड, ये मिठाई है आप सबके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? ये बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी। और एक सेकेंड, ये तेरे लिए। ट्रिप पे जा रही हूँ ना, बहुत काम आएगा। कलर इतना सुंदर है ना, तुझ पे तो और सुंदर लगेगा। ये देख। माँ इसकी क्या जरूरत? जरूरत है, अरे ठंड होगी ना वहाँ पे। और ये छोट, ये देख, ये जो है ना, ये मेरी एक नई और बहुत ही प्यारी दोस्त ने दिया है तुझे, मतलब तेरे लिए भेजा है। ये तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा, अपने पास रख। पूरी पुत्र, अपनी माँ को अपने रूम में लेके जा, वहाँ आराम से बैठ के बातें करो, है ना? और दिया को अपना कमरा भी दिखा देना। हाँ, मैं आती हूँ। जी थैंक यू। यू नो व्हाट कार्तिक, अक्सर मैं लोगों के बारे में बिल्कुल गलत नहीं होता, स्पेशली वो लोग तो थोड़े अलग होते हैं। आरवी थोड़ा अलग है, दैट्स व्हाई ही इंटरेस्ट्स मी अ लॉट। और ये आरवी जो मीटिंग मेरे साथ करना चाहता था वो महज इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो अपना हनीमून अवॉइड करना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता। यस या आई एम सीरियस। अभी मेरी बात विशाल से हो रही थी। विशाल ने मुझे बताया कि आरवी के छोटे भाई युग ने उसे बताया है कि आरवी कुछ दिनों के लिए हनीमून पे जा रहा है। एंड मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर वो मेरे साथ मीटिंग करना चाहता है तो वो सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि वो अपने हनीमून को अवॉइड कर सके, कैसे ना कैसे। और तुम क्या चाहते हो? वो तो तुम्हें अच्छी डील दे रहा है। इट्स नॉट अबाउट द डील। वो जिस लड़की के साथ हनीमून पे नहीं जा रहा है वो मेरी बेटी जैसी है, पूर्वी। एक बार मैं पूर्वी को फोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि क्या वो हनीमून पे जाना चाहती है। आई विल आस्क हर। और अगर वो जाना चाहती होगी तो लॉस करवाओगे अपना? लॉस? कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो बिजनेस से बहुत ज्यादा बढ़कर होते हैं, और अब मैं वो लॉस नहीं करा सकता।
चुनाव की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दिन रात एक कर दो। पापा। ताशो। अच्छा सुनो, अभी बात नहीं हो पाएगी, बेटी शॉपिंग से वापस आई है। अरे क्यों पापा, बातें खत्म कर लो ना, आराम से, मत काट करो। ताशो मेरा बच्चा, मेरा पुचका। उससे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं। अच्छा सुन, वो चुनरी जो तू लेने गई थी मार्केट, वो मिल गई तुझे? हाँ हाँ, वो तो एक्चुअली जाते ही मिल गई। ऑनेस्टली पापा, मुझे लगा था ना बहुत वक्त लगने वाला है, पर बहुत जल्दी मिल गई वो तो। लेकिन फिर भी तूने आने में इतना वक्त लगा दिया। एक्चुअली हुआ क्या ना, मुझे वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मिल गई थी, मैं उसे ही छोड़ने गई थी। उसका नाम प्रियू है, और पता है पापा, वो इतनी प्यारी है ना, इतनी स्वीट है। उसने मेरी बहुत मदद भी की स्टॉल में। मदद? क्यों, कुछ हुआ था क्या? उन्हें कॉल क्यों नहीं किया मुझे? पापा कुछ नहीं हुआ था, प्रियू थी ना, उसने मुझे बचा लिया, उसने मुझे संभाल लिया, इसलिए तो बोल रही हूँ कितनी प्यारी है वो। तो थिंक ऑफ इट पापा, अच्छा ही हुआ ना, इस नए शहर में मुझे एक प्यारी सी अच्छी सी दोस्त मिल गई है ना, मेरी प्रियू। आई एम श्योर ये जो प्रिया है, ये प्रियू पापा, हाँ जो भी है प्रियू, ये बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आखिर मेरी बेटी ने चुना है। मेरी बेटी किसी गहरी गहरी से बात थोड़ी करेगी। Like father, like daughter. Of course, papa. अच्छा सुन, ये कोई कमी रही है क्या यार तैयारी में? मैं भूल रहा हूँ शायद। किस चीज की कमी पापा, आपके चुनाव की? तेरी शादी की तैयारी, idiot. ये है मेरा रूम। Wow यार दी, wow. ओए सिर्फ तेरा नहीं, जीजू का भी रूम है, मेरा मतलब तुम दोनों का रूम है। मेरा मतलब भी वही था, हम दोनों का रूम है। सही है यार दी, तेरा तो ऐश है तेरे तो, मेरा मतलब क्या आलीशान रूम है यार दी, यहाँ पे आती है ऐसे रोमांस का मन। मेरा मतलब रूम में आती एकदम अच्छा फील होता होगा ना, एकदम फ्रेश। और सुन, जब भी मैं यहाँ पे आऊँ ना, मुझे अपने साथ यहीं पे रखना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, तेरी छोटी बहन हूँ ना, अब एक कबाब में हड्डी बनने देना मुझे। वाओ दीदी, ये जिराफ कितना सही है। माँ आप आओ ना, बैठो यहाँ पे। ये मोनिशा यहाँ क्यों है खुशी? मतलब यही उसका अपना घर होगा, वो यहाँ क्यों रह रही है, यहाँ रहने का क्या मतलब है? वो तो यहाँ ऐसे ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, दूसरी लड़की का आसपास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को सब कैसे पता चल जाता है, और एकदम सही पता चलता है। ये ले पानी, इतना खास वास मत, बीमार पड़ जाएगी। अरे अभी तो हनीमून पे भी जाना है। पूर्वी, सही कहते हैं लोग कि औरतों का सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हम चीजें महसूस करते हैं, हमें वाइब फील होती है, हमें दिखता है, हम सोचते हैं। आई एम सॉरी पर ये जो मोनिशा है ना, मुझे उसकी वाइब कुछ ठीक नहीं लगी, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं। माँ ऐसा कुछ नहीं है, सच में आप इतना क्यों सोच रहे हो, तो बस ऐसे है यहाँ पे, ऐसे सच्ची। हाँ मतलब ऐसा नहीं है जैसा आप सोच। मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, तुझे क्या लगता है क्या सोच रही हूँ मैं? हम मतलब ये कि वो यहाँ है, फैमिली में, इस घर में है, तो शायद मेरी इंपॉर्टेंस, मेरी जगह वो शेयर करेगी। माँ ऐसा कुछ नहीं है सच में। तू ना बहुत भोली है, तेरा दिल अच्छा है ना, तुझे लगता है सब अच्छे हैं, सब ऐसे ही है। नहीं अच्छी बात है ऐसा सोचना, पर कभी कभी चीजें सामने होती है, तू देखना ही नहीं चाहती, तू देखती भी है पर तुझे समझ नहीं आती। केके सर, माँ केके सर का कॉल है, बहुत दिनों बाद कॉल करे, मैं उठा बात कर लूं। मुझे नहीं बात करनी आपसे। बिल्कुल मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। हमें कोई बात है ना? मैंने तुम्हें फोन किया, ना मैंने तुमसे तुम्हारे हाल चाल पूछे, और स्पेशली उस लड़की से नहीं पूछे जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ। अच्छा जी, जो मैं कहने वाली थी वही आप कह रहे हो। हाँ अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो कम से कम मुझे तो करनी पड़ेगी ना, इससे पहले तुम मुझे डांटो कुछ बोलो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया, मैंने तुम्हारे हाल चाल नहीं पूछा, सॉरी। इट्स ओके, लेकिन हाँ आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कैसी हो? नया घर कैसा है, नए लोग कैसे हैं, ससुराल कैसा है? तुम्हारे साथ सब अच्छे हैं ना? मेरे साथ सब अच्छे हैं, स्पेशली मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे हैं। भगवान का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो, बस ऐसे ही खुश रहना। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम
जहाँ रहती हो वहाँ पे भी सुख मिलेगा और तुम्हें अपने हमसफर के साथ भी सुख मिलेगा। तुम खुश हो ना? खुश? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। अगर रणधीर होता तो पूर्वी से ऐसे ही बात करता, पिता होने के नाते पता करता अपनी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं है, सब ठीक है या नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुश रहो, और कोई चीज मेरे लिए सच बताऊं तो मैटर नहीं करती। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी खुशी को कोई थोड़ा सा भी कम करे ना तो मुझे बता सकते हो। कोई ऐसा इंसान है जिसकी कंप्लेंट तुम्हें मुझसे करनी है तो तुम मुझसे कर सकते हो, मैं उसको सीधा कर दूंगा। और स्पेशली अगर आरवी के बारे में कोई कंप्लेंट करनी है तो टेल मी, मैं उसको भी सीधा कर सकता हूँ। नहीं, कोई शिकायत नहीं मुझे, सब बहुत अच्छा है यहाँ पे। पक्का किसी को सीधा नहीं करना है ना? नहीं, किसी को सीधा नहीं करना। वैसे जो तुम हनीमून पे जा रही हो, तुम्हें वो जगह पसंद है या फिर मैं कुछ बदलाव करूं उसमें? तुम चाहती हो मैं किसी और डेस्टिनेशन पे तुम्हें भेज दूं? एक मिनट, आपको कैसे पता मैं हनीमून पर जा रही हूं? कहा था ना, सिर्फ बेटी बोलता नहीं, बेटी मानता भी हूं। नहीं, सब ठीक है, मैं खुश हूं, कुछ चेंज नहीं करवाना। मुझे जगह भी बहुत पसंद है, मतलब मैं तो ना बहुत इंजॉय करने वाली हूँ, और वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत केयर कर रहा है मेरी। इनफैक्ट वहाँ इतनी ठंड है तो मुझे कह रहा था सर्दी के कपड़े रख लेना, ये रख लेना, वो रख लेना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम दोनों। अगर ऐसा है तो आरवी ने मीटिंग उसके साथ रखने की शर्त क्यों कही है? वैसे आप कभी आना ना यहाँ पर घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ मैं। तुम अपना ख्याल रखो ठीक है, और खुश रहना। जिस चीज से तुम्हें खुशी मिले वो सब करना। तुम आरवी के साथ हनीमून पे जाओ। And just enjoy yourself. And I promise, मैं तुम्हारी खुशियों को कभी कम नहीं होने दूंगा। God bless you, बेटा। See you, bye, take care. I knew it. I was absolutely right. क्या? हमें आरवी पे नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि वो यही कह रहे थे कि मैं सिर्फ बेटी बोलता नहीं, मानता भी हूँ। कभी कोई भी शिकायत हो तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं सच में। पता है, मैं जब भी उनसे बात करती हूँ ना, सिक्योर्ड फील होता है मुझे, बहुत सेफ फील होता है। अच्छी बात है। अच्छा सुन, तू अपनी ट्रिप से होकर आप, फिर बात करेंगे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या बात? मोनिशा के बारे में। हाँ, सब समझ गई है मोनिशा को लेकर, और अब इनके दिल में भी ये बात आ गई है, पता नहीं हनीमून के बाद क्या कहेंगे। क्योंकि पूर्वी मेरी बेटी है, और मेरी बेटी को खुशी मिलेगी अगर वो हनीमून पे जाएगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कल मैं मीटिंग आरवी के साथ नहीं करूंगा। अगर मैं मीटिंग नहीं करूंगा तो आरवी हनीमून पे जाएगा, तो उसमें मेरी बेटी पूर्वी की बहुत ज्यादा खुशी है। जब तक मैं हूं तब तक मैं उसकी खुशियों को कम नहीं होने दूंगा। ठीक है, श्योर, सी यू देन। युग, हाँ? अच्छा हुआ तो यहाँ पे मिल गया। बात सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल 11 बजे बिजनेस प्लाजा मीटिंग फिक्स हुई है। मीटिंग किसके साथ? केके के साथ। केके के साथ? वाह भाई, बिजनेस प्लाजा। ऑफिस से रिसेप्शनिस्ट रमुना का फोन आया था, लेकिन तूने तो फोन उठाया नहीं, इसलिए उसने मेरे फोन पे फोन किया। युग को अब तक ऑफिस से कॉल आ गया होगा। कल 11 बजे मीटिंग फिक्स हुई है, तुझे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि केके की फार्म का अपडेट तो तू ही देने वाला है ना। केके की फार्म से कॉल था? हाँ भाई। सिर्फ मुझसे मिलने के लिए कह रहे होंगे ना, लेकिन मैं कहाँ मिल सकता हूँ, मैं तो हनीमून पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं हनीमून कैंसिल कर देता हूँ और ये मीटिंग अटेंड करता हूँ। हाँ, डोंट वरी, हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, जस्ट रिलैक्स, मुझे हनीमून कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो केके मुझसे मीटिंग करना चाहता है। आपसे? मतलब मुझसे नहीं? उसके मैनेजर का फोन आया था यार, उसने कल मीटिंग फिक्स करी है स्पेशली मेरे साथ। मैं आता हूँ। इसको क्या हुआ? क्या चल रहा है दीपिका?
किस बारे में? जान तारों के बारे में, ऑब्वियसली आरवी के बारे में, पति पत्नी और वो आरवी पूर्वी और मोनिशा के बारे में पूछ रही हूँ। तो चाची सीधे सीधे पूछो ना, क्या पूछ रही हो, घुमा फिरा के क्यों पूछ रही हो? सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ दीपिका, कि आरवी पूर्वी हनीमून पे जा रहे हैं या मोनिशा उनका प्लान कैंसिल कर पाई, यही जानना चाह रही हूँ। लिसन, आई एम श्योर कि अभी गुड न्यूज आने वाली है। देखना अभी मोनिशा आएगी और बताएगी कि हनीमून कैंसिल हो गया। मैं जानती हूँ उसे, वो मोनिशा है मोनिशा चाची, और आरवी उसे बहुत मानता है। आरवी बिल्कुल नहीं भूला कि मोनिशा ने उसके लिए क्या क्या किया, वो भी उस वक्त जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। जानती हूँ, सब याद है। सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहती कि आरवी और पूर्वी हनीमून पर जाएं। पता है मुझे कि आप भी हमारी टीम में। यू नो, मुझे वो लड़की पहले दिन से ही नहीं पसंद थी, कभी नहीं। खैर छोड़ो तुम ये सब, और जाओ जाकर पता करो कि मोनिशा ने प्लान कैंसिल किया कि नहीं। And listen, मुझे पक्की खबर चाहिए कि प्लान कैंसिल है, ये तो मेरे दिमाग में वही सब घूमता रहेगा। गो सभी पता करती हूँ। हाँ, गो फास्ट। अभी भी नहीं उठा रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये के मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। थैंक यू। अरे भाई तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं चाहता हूँ तड़पे, और ज्यादा तड़पे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड है हनीमून पर जाने के लिए और वो उसको रोक रहा है। नो नो, इट्स नॉट डन, आई डोंट लाइक इट। अभी से उसको बांधने की कोशिश कर रहा है, अभी से उस पर हक जता रहा है। और मेरे होते हुए मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अरे तुम तो ऐसे कह रहे होते, पूर्वी सच में तुम्हारी बेटी है। सच में पूर्वी मेरी बेटी जैसी है। हाँ हाँ याद है, बताया था तुमने, मगर इस लेवल तक? You know what? I like you, dude. और ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये सबको पता है कि वो मेरी बेटी जैसी है। लेकिन ये नहीं है, आई थिंक ये काफी तड़प गया। अब तुम इससे बात करो और इसको ये बोलो कि मैं इसके साथ मीटिंग नहीं करना चाहता, मैं मीटिंग करना चाहता हूँ इसके बड़े भाई के साथ। ओके डॉक्टर। हेलो मिस्टर केके। मैं केके नहीं, केके का मैनेजर बोल रहा हूँ। तो मिस्टर केके से मेरी बात कर रही है, मुझे बात करनी है उनसे। मिस्टर केके वेकेशन पे गए हुए थे, अभी वापस आए हैं, थोड़े बिजी चल रहे हैं। उनके बिहाफ पे मैं उनकी कॉल उठा रहा हूँ। बताइए क्या बात करनी है। कल मेरी मीटिंग होने वाली थी उनसे, और उन्होंने खुद कहा था, प्रॉमिस किया था मुझसे। लेकिन अब उनके ऑफिस से फोन आ रहा है और कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं। बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं तुम्हारे साथ मीटिंग करना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली तुम्हारे बड़े भाई पे बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए। हेलो, क्या हुआ? तुमने इतना गंदा चेहरा क्यों बना लिया? आई विश मैं देख पाता। सो या, मीटिंग कैंसिल, थैंक यू सो मच। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। बिल्कुल किया था, पर तुम मेरे बेटे तो हो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सारे प्रॉमिस निभाऊंगा। राइट, वादा दिया था, वादा तोड़ दिया, क्योंकि मुझे मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है। वो हनीमून पे जाएगी, उसे खुशियां मिलेंगी, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड, थैंक यू, बाय। आरवी पे नजर रखनी पड़ेगी। लेट्स गेट एट इट। वेट, व्हाट? उनकी बेटी कौन है और तुम्हारे हनीमून पे जाने से उनको कौन सी खुशी मिलेगी? व्हाट इज दिस? माँ जा रही है, तुम मिलोगे नहीं उनसे? आशीर्वाद नहीं लोगे? अरे नहीं, बस खुश रहो।
वैसे वादा याद है ना जो तुमने किया था? खुश रहोगे और दोनों एक साथ रहोगे हमेशा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दोनों खुश रहो। और तू, मुझे पता है आरवी तुझे हर परेशानी से दूर ही रखेगा, फिर भी बता रही हूँ, कभी कोई बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो या यूं ही बस चले आना हो तो तेरा अपना घर है, तेरा परिवार है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तेरी ये माँ है। मेरे रहते तुझे किसी की भी या किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान मत होना तू, मैं हूं। और जब तक तेरी बहन तेरे साथ है ना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। और बहन से पहले जीजू, जीजू तेरे साथ है ना तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, इसलिए तो खुश रहो और बिंदास रहे। चले जीजू, मेरी बहन का ध्यान रखना, चलते बाय। अरे ये जो पूर्वी की मॉम बोल के गई है, ये मेरे लिए था ना, इट वाज डायरेक्टेड टू मी राइट? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये किसी को कुछ बता क्यों नहीं रही है।